डियर स्टूडेंट, वन शॉर्ट वीडियो का लास्ट क्लास, मतलब ये नहीं कि मैं और नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब ये है कि बेस्टी अर्थशास्त्र का ये लास्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि हम बेस्टी अर्थशास्त्र के कंप्लीट कोर्स को कर चुके हैं। इसके बाद शुरू होगा रिवीजन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज, तमाम चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम को परफेक्ट करेगा, आपकी प्रिपरेशन को इस लेवल तक लेके जाएगा कि आपको एग्जाम से पहले माथा घुमाने की जरूरत नहीं होगी। वो सब मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा द इकोनॉमिक्स गुरु पर, इसी चैनल पर बने रहना है, ठीक है। अब लास्ट में हमें पढ़ना है बाजार संतुलन के लिए, और मैं बता दूं बाजार संतुलन 100% गारंटेड है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। बेसिकली जो क्वेश्चन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है, जैसे कि आज मैंने जो वीडियो अपलोड किया था इससे पहले वाले चैप्टर का बाजार के रूप, उसी में एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर बाजार संतुलन को बताइए कि अल्पकाल में बाजार संतुलन का निर्धारण कैसे होते, ऐसे समझाइए कि याद हो जाए। तो बनिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। इसमें बेसिकली दो पॉइंट होते हैं, एक होता है बाजार संतुलन का निर्धारण, दूसरा होता है अगर संतुलन में परिवर्तन होता है तो वो कैसे होगा। तो दो अलग अलग पॉइंट है, इन दोनों के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि ये संतुलन आखिर है क्या। आपने उपभोक्ता संतुलन पढ़ा है, आपने जो है उत्पादक संतुलन के बारे में पढ़ा है, यहां पर बाजार, क्योंकि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों से मिलकर बाजार का निर्माण होता है। बाजार में मैंने क्या पढ़ाया था, बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्रेता और विक्रेता, विक्रेता मतलब उत्पादक, क्रेता मतलब उपभोक्ता, दोनों मिलके किसी वस्तु को क्रय विक्रय करते हैं। किस पर, एक निश्चित कीमत पर। वो जो निश्चित कीमत है ना बाजार के लिए, वही संतुलन कीमत होती है, जिस कीमत पर क्रेता खरीदने के लिए और विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है। तो यहां पर नॉर्मली जब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो संतुलन शब्द का मतलब समझना होगा कि संतुलन किसे कहते हैं। संतुलन का मतलब जैसे ये है, ये संतुलन में क्योंकि गिर नहीं रहा है, ठीक है। अब जैसा इधर उधर हो जाए गिरने लगेगा। संतुलन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर बदलाव नहीं होता, जहां पर परिवर्तन नहीं होता, चेंजेस नहीं होते, और जहां पर चीजें स्थिर बनी रहती है, ऐसी स्थिति को। नहीं तो हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है एक ऐसा पोजीशन आए कि इनफ पैसे हो, कोई लोन वोन का झमेला ना हो, कर्जा ना हो, छोटा सा घर हो, अच्छी फैमिली हो, कोई बात। तो वो संतुलन की स्थिति कहते हैं जहां पर पहुंच पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। तो संतुलन कीमत क्या होगा, तो संतुलन कीमत भी बाजार में वस्तु की एक ऐसी कीमत होती है जहां पर किसी भी प्रकार से कीमत में कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता। मतलब बाजार द्वारा निर्धारित ऐसी कीमत जिसको उपभोक्ता या फिर जिसको उत्पादक दोनों ही परिवर्तित नहीं कर सकता। तो यहां से निकल के आता संतुलन कीमत की परिभाषा। वह संतुलन कीमत वह कीमत है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है, क्योंकि बाजार में मांग और पूर्ति, मांग उपभोक्ता पक्ष करता है और पूर्ति उत्पादक पक्ष करता है। तो मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित एक ऐसा कीमत जिसमें क्रेता खरीदने के लिए, विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल दुकान में जाए, दुकानदार कहता है कितना भाई कितने में देकर, 1000 रुपये, नहीं नहीं हम तो 1000 में दे 500 देंगे। तो नहीं नहीं वो कहता नहीं 1000 रुपये से कम, मैंने थोड़ा कम किया, उसने कहा 900, हमने कहा नहीं। इस तरह से एक ऐसी कीमत बन जाती है जहां पर वो बेचने के लिए, हम खरीदने के लिए तैयार होते हैं, वो है संतुलन कीमत। तो संतुलन कीमत का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर बाजार में वस्तु की मांग और बाजार में वस्तु की पूर्ति दोनों ही आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जहां दोनों बराबर होता है तो उसी कीमत को संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं। और संतुलन कीमत के लिए मांग और पूर्ति दोनों का आपस में बराबर होना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बिना वस्तु की कीमत का निर्धारण नहीं हो सकता। वो एकाधिकार की स्थिति होती है जहां पर विक्रेता अपनी मर्जी से वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है, लेकिन वहां पर भी दिक्कत है। अगर एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, वो चाहता है मैं ज्यादा लाभ लूंगा, वस्तु का कीमत ज्यादा करूंगा, तो भाई खरीदने वाले नहीं खरीदेंगे ना, वो यूज ही करना बंद करेंगे वस्तु को। ऐसे में यहाँ पर क्रेता की मांग और विक्रेता की पूर्ति दोनों ही बातें वस्तु की कीमत के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो क्या वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारण के द्वारा जो संतुलन कीमत निर्धारित होती है वही एक थ्योरी है?
देखिए इस थ्योरी को देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल, जिन्होंने मांग और पूर्ति दोनों का एक साथ यूज किया। लेकिन प्रोफेसर मार्शल से पहले भी दो व्यक्ति आए जिन्होंने मांग और पूर्ति को अलग अलग प्रयोग किया संतुलन निर्धारण के लिए, जैसे प्रोफेसर रिकार्डो और दूसरे हैं जेवंस। प्रोफेसर रिकार्डो ने कहा कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण केवल मांग पक्ष के द्वारा होता है, यानी कि वस्तु के निर्धारण के लिए उपभोक्ता की मांग का महत्व होता है। उपभोक्ता किस कीमत पर खरीदना चाहता है ये देखा जाता है, विक्रेता किस पे बेचा जाता है ये नहीं, क्योंकि विक्रेता उपभोक्ताओं को बेचेगा। उपभोक्ता जब खरीदेगा जिस कीमत पर खरीदना चाहता है उस पर बेचना पड़ेगा। तो रिकार्डो ने उपभोक्ता को सर्वोपरि रखा कि उपभोक्ता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है क्योंकि उसी को खरीदना है। जबकि जेवंस ने इसको उल्टा कहा कि भाई वस्तु का उत्पादन जो है कौन करता है, उत्पादक करता है। जब वस्तु का उत्पादन उत्पादक करता है तो वस्तु की कीमत का निर्धारण भी उत्पादक करेगा। इसका मतलब हुआ कि वस्तु की कीमत निर्धारण में मुख्य भूमिका उत्पादक की होती है, पूर्तिकर्ता की होती है, ना कि उपभोक्ता की। लेकिन प्रोफेसर मार्शल बीच में इन दोनों की चीज को अपना दिमाग लगाया, उन दोनों को जोड़ दिया, कहा कि भैया झगड़ा मत करो, लोकतंत्र है, मिलजुल के रहना पड़ेगा। मतलब उन्होंने कहा कि वस्तु की कीमत का निर्धारण ना केवल उपभोक्ताओं के द्वारा होता है, ना उत्पादक अपने आप कर सकता है, तो वस्तु की कीमत के निर्धारण के इन दोनों का होना आवश्यक है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है, इन दोनों के आधार पर होता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा इसी बात पर बल दिया कि मांग और पूर्ति दोनों ही शक्तियां वस्तु की कीमत निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, और उस बिंदु पर ही वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है जहां पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कैंची का। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक कैंची है और कैंची के दो फलक होते, किसी भी चीज को काटने के लिए कैंची के इन दोनों फलकों का प्रयोग होता है और एक बिंदु पर ये दोनों ही क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। उसी प्रकार के वस्तु की कीमत का निर्धारण भी ऐसे ही होता है कि हमेशा जो वस्तु की कीमत होती है 10-8, अगर वस्तु की कीमत घटता हुआ होता है तो उसमें वस्तु की कीमत भी घटती हुई होती है, क्योंकि कम कीमत पर विक्रेता कम मात्रा बेचना चाहता है। लेकिन उसका उल्टा होता है क्रेता के साथ, प्रत्येक क्रेते की जो मांग होती है कम कीमत पर अधिक होती चली जाती है, तो विक्रेता वस्तु की पूर्ति कम करता चला जाता है, क्रेता वस्तु को की मांग बढ़ाता चला जाता है। तो ऐसे में एक ऐसी कीमत स्तर का निर्धारण होता है जहां पर वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग दोनों ही आपस में, मतलब मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो। यानी कि जब वस्तु की कीमत 6 रुपए हो रही है तो वस्तु की मांग 60 इकाइयां है, पूर्ति भी 60 इकाइयां है, तो एक ऐसा बिंदु जहां पर मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर हो बेटा, तो वो क्या होगा, इसका मतलब 6 को ही हम संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इस ग्राफ का, तो ये है वस्तु की मांग, देखिए ये है वस्तु की मांग, यहां है वस्तु की पूर्ति। तो ये मांग पूर्ति वक्र है और ये मांग वक्र है, ये दोनों ही बिंदु ई पर आपस में बराबर हो रहा है, और ये बिंदु पी जो क्या है, ₹6 वाले बिंदु है, जहां पर मांग और पूर्ति दोनों ही कितनी कितनी इकाइयां हैं, 60-60 इकाइयां है। तो इसी बिंदु को हम बोलते हैं ई, मतलब ये है संतुलन स्तर, क्या है, संतुलन बिंदु, और इस संतुलन बिंदु पर ₹6 है जो है संतुलन कीमत है, और इसको बोलते हैं संतुलन मात्रा, मतलब इस पूरी स्थिति को बोलते हैं हम क्या चीज बोलते हैं, बाजार संतुलन, ये है बाजार संतुलन, और इस बाजार संतुलन में निर्धारित हुई कीमत को संतुलन कीमत स्तर कहते हैं, और यही पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत निर्धारण की सर्वोत्तम विधि है, मतलब एकमात्र विधि है। जहां पर प्रोफेसर मार्शल का सिंपल कॉन्सेप्ट था कि इन दोनों है, मांग और पूर्ति के द्वारा ही वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। अब बात यह आती है, चलो ठीक है, संतुलन कीमत का निर्धारण समझ में आ गया कि एक ऐसी बिंदु जहां पर वस्तु की मांग ठीक है और जहां पर वस्तु की पूर्ति जिस बिंदु पर आपस में बराबर होगी वहीं पर संतुलन कीमत का निर्धारण हो जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि मांग और पूर्ति ये दोनों एक ऐसी चीज है जहां पर कीमत से ये दोनों प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कीमत में परिवर्तन वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत को भी प्रभावित करता है, जिससे संतुलन कीमत में भी परिवर्तन आता रहता है। इसका मतलब होता है मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता है,
और अल्पकाल में दोनों ही बदलते हैं। जब दोनों में परिवर्तन होता है तो संतुलन कीमत में भी परिवर्तन आता चला जाएगा और यह परिवर्तन की तीन प्रमुख स्थितियां हैं। नंबर एक, जब वस्तु की केवल मांग में परिवर्तन हो, इस स्थिति में वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो। नंबर टू, केवल वस्तु की कीमत ही बदले, वस्तु की पूर्ति ही बदले, सॉरी, वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो। और तीसरी स्थिति होती है वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन हो एक साथ। तो तीन स्थितियों में संतुलन कीमत पर जो है असर पड़ता है। कैसे होता है? नंबर वन, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन हो, जबकि वस्तु की पूर्ति अपनी जगह पर क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। जब पूर्ति वक्त में कोई परिवर्तन हो, मतलब वस्तु की पूर्ति, सप्लायर एक निश्चित कीमत पर पूर्ति को क्या करता है, जारी रखता, उतना ही रखता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, लेकिन किसी कारण से उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन होता है, चाहे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से हो, संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन से हो, स्थानापन वस्तु की जनसंख्या में परिवर्तन हो, फैशन आदि में जो भी हो, किसी भी कारण से, कीमत को छोड़ के किसी भी कारण से अगर उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन होता है, और मांग में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, उस स्थिति में संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है वो समझना है। तो मांग में परिवर्तन की दो प्रमुख स्थितियां होती है, मांग में वृद्धि और दूसरा है मांग में कमी। मांग में वृद्धि और मांग में कमी, जब हम मांग में वृद्धि और कमी की बात करते हैं तो ध्यान में ये रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं मांग में वृद्धि की, ठीक है। मांग में वृद्धि का मतलब होता है यहाँ पर वस्तु की पूर्ति अपनी जगह पर ही है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, केवल वस्तु की मांग बढ़ जाए। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा, यहाँ पर यह है पहली स्थिति वस्तु की पूर्ति, और यहाँ पर वस्तु की मांग, दोनों इस बिंदु पर इक्विलिब्रियम हो रहे थे, बराबर हो रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि वस्तु की मांग बढ़ के ऊपर की ओर चलेगी, ये बिंदु, यह है वस्तु की मांग। तो मांग के बढ़ने से देखिए संतुलन कीमत में भी परिवर्तन आया, और संतुलन मात्रा में भी परिवर्तन आ रहा है, संतुलन कीमत में भी परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब होता है अगर पूर्ति में परिवर्तन ना हो और केवल मांग में परिवृद्धि होती है तो इससे में संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों बढ़ती है, दोनों स्थितियां होती हैं, ठीक है। दूसरी, अगर मांग में कमी हो तो समझिए ये पहली स्थिति है, पूर्ति अपनी जगह पर है और ये मांग है, पूर्ति वक्त और मांग वक्त, अचानक ये हुआ कि मांग में कमी हो गई तो मांग वक्त नीचे की ओर आ गया, ऐसे में संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों ही घट जाती है, क्योंकि जब मांग कम होता है तो जाहिर सी बात है कीमतों में कम आ जाती हैं। दूसरी स्थिति है जब पूर्ति में परिवर्तन हो और मांग स्थिर रहे, केवल विक्रेता के पक्ष द्वारा परिवर्तन हो रहा है, और ये किसी भी कारण से हो सकता है, कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन के कारण हो सकता है, श्रम मूल्य में परिवर्तन के कारण हो सकता है, मशीनरी औजार आदि के मूल्य में परिवर्तन से हो सकता है, उत्पत्ति के पैमाने के विस्तार अथवा संतुलन के आधार पर कई कारक हो सकते हैं, और यहाँ पर भी दो प्रकार से पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। अगर ये स्थिति बिंदु ई एक ऐसी स्थिति है जो पहले निर्धारित हो, यहाँ की ये है आपका मांग वक्र और ये है हमारा पूर्ति वक्र, पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, पूर्ति वक्र ऊपर से थोड़ा दाईं ओर खिसक आता है, ऐसे में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक है, जब मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है तो वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है, वस्तु की कीमत पहले यहाँ थी अब कम होकर नीचे आ गई और संतुलन मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब मांग पूर्ति ज़्यादा, यानी कि मांग कम हो गई, मांग जब भी कम होती है वस्तु की कीमतें कम हो जाती हैं, लेकिन उसके उल्टा जब वस्तु की पूर्ति में कमी हो, जब पूर्ति में कमी होने वाली है, मतलब ये वाला पॉइंट था पहले संतुलन का, ये है पूर्ति वक्र और ये है मांग वक्र, अचानक पूर्ति में कमी होने से कोई भी कारण सकता, तकनीक पुराना वगैरह, तो जो मांग वक्र जो है, पूर्ति वक्र जो है ऊपर की ओर बाई ओर खिसक जाता है, ऐसे में क्योंकि मांग की तुलना में पूर्ति कम है तो वस्तु की कीमतें बढ़ने लग जाती है और संतुलन मात्रा में भी कमी आ जाती है। ये तो है दोनों के अलग अलग। तीसरी स्थिति है जब मांग में पूर्ति और पूर्ति, मांग और पूर्ति दोनों में ही जो है एक साथ परिवर्तन हो, और दोनों में एक साथ की कई है, जब दोनों में एक साथ वृद्धि हो, दोनों में एक साथ कमी हो, तो कैसे होता है? दोनों ही में कई स्थितियां हैं। पहली स्थिति है स्थिति नंबर एक,
जब मांग में परिवर्तन, मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से ज्यादा हो, मांग में वृद्धि पूर्ति से वृद्धि क्या हो बेटा, ज्यादा हो, ऐसी स्थिति में यह है पुरानी स्थिति T1। अब मांग में वृद्धि होगी तो ये हो गया D1 और पूर्ति में वृद्धि हुई है ये S1, लेकिन मांग की तुलना में पूर्ति में वृद्धि कम है, तो ऐसे में मांग ज्यादा पूर्ति कम, तो इस स्थिति में वस्तु की संतुलन मात्रा तो बढ़ती है लेकिन साथ साथ वस्तु की कीमतों में भी वृद्धि होता है, जब दोनों ही स्थिति में मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम बढ़े। लेकिन जब मांग और पूर्ति दोनों में ही एक साथ परिवर्तन हो, जब दोनों में ही एक साथ परिवर्तन हो, तो ऐसे में संतुलन मात्रा में तो परिवर्तन होता है लेकिन संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ति में जितनी वृद्धि हो रही है मांग में भी उतनी वृद्धि हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कीमतों पर। लेकिन अगर संतुलन पूर्ति संतुलन कीमत में तब परिवर्तन होता है जब पूर्ति ज्यादा बढ़े और मांग कम, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति ज्यादा मांग कम, तो संतुलन कीमत हमारी क्या हो जाती है, ऊपर से नीचे गिर जाती है और मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये तीन स्थिति होती है परिवर्तन की। तो संतुलन कीमत में परिवर्तन आपसे पूछा जा सकता है, परिवर्तन की दशाएं पूछी जा सकती हैं, तो आपको तीन, जब केवल मांग में वृद्धि हो या कमी हो, जब केवल पूर्ति में कमी या ज्यादा हो, या दोनों में ही जब एक साथ परिवर्तन हुआ, परिवर्तन की स्थिति मैंने आपको समझाया है। फिर भी लगता है आपको कहीं कोई डाउट है, बेझिझक अपने डाउट को मुझसे बोलिए कि सर ये डाउट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आपके डाउट को हर तरह से निपटाने की कोशिश मैं करूँगा, पूरा करने की कोशिश करूँगा ताकि कोई डाउट आपके दिमाग में ना रहो। आपको PDF चाहिए तो अभी theeconomistguru.com पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको जब सबसे ऊपर जो टास्क बार मिलेगा वहाँ पर कोने में जाएंगे तो मोर ऑप्शन मिलेगा, मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अदर नोट्स मिलेंगे, वहाँ पर क्लिक करते ही आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरे बनाए हुए। बाकी तो NCERT नोट्स है, CBSE नोट्स है, तमाम नोट्स भरे पड़े हैं, लेकिन मेरे बनाए हुए नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी तरह का, बेझिझक मुझे बताइए और सोशल मीडिया के थ्रू भी बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।